यह 10 मिनट का डिक्टेशन है, 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। रेडी स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा तथा अन्य भाषाओं के प्रश्नों पर मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता। इन दोनों विषयों पर चर्चा भाषा विधेयक के आने पर की जाएगी। इस समय मैं यह चाहता हूँ कि पहले इस बात पर विचार करें कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो। मेरे विचार में शिक्षा के हित में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि अपने देश में मातृभाषा को, या जिसको हम अपने देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं, उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उच्चतम शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। इसमें पाठ्य पुस्तकों की कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह कहना कि जब तक पाठ्य पुस्तकें ना बन जाए तब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम ना बनाया जाए, यह गलत तर्क होगा। यह तर्क अपनाया गया तो हम कभी भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पाएंगे। यह तो वही बात हुई कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूँगा तब तक पानी में पैर नहीं रखूँगा। इस तरह तो मैं समझता हूँ कभी तैरना नहीं सीखा जा सकता, इसलिए किसी तरह एक बार पानी में कूद जाएं, एक बार यह फैसला ले लें कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा, और तत्काल यह फैसला लेकर शिक्षा शास्त्रियों से कहा जाए कि वे तेजी से पाठ्य पुस्तकें तैयार करें या उसका अनुवाद करें। विज्ञान की शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में होने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूँ कि मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा को देना सबसे आसान है। समाज शास्त्र की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाने में शायद कुछ समय लगे, उसकी पाठ्य पुस्तकें बनने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। विज्ञान के फार्मूले ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं। विज्ञान की शब्दावली को भी ज्यों का त्यों रखा जा सकता है, केवल उन्हें मातृभाषा में समझाना है। इसलिए विज्ञान की पुस्तकें और विज्ञान की शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाने में कोई समय लगने वाला नहीं है। क्योंकि हम अपनी शिक्षा नीति में सबसे अधिक जोर विज्ञान पर देने वाले हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा कार्य होगा। यदि हम मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लें। अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में एक बात और बहुत अच्छी कही गई है, और वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व देना होगा। आज की दुनिया में यदि हम तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान की शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ श्रीमान, मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ हमें अपने बच्चों की अन्य विषयों की शिक्षा पर भी महत्व देना चाहिए। सभापति महोदय, मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं केवल एक दो बातों की ओर
वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है, खास तौर से पिछले 5-7 दिनों से गांव में परेशानी बहुत बढ़ गई है। मैंने देखा है कि वो कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है। बिजली ठीक तरह से ना मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करे। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। वे भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालत खराब है। सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, वह हमको भाषण लिख कर दे दे और बता दे कि हम क्या करेंगे। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे, लेकिन वह देश की हालत को सुधारे। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है। आज गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी? अगर हालत ना सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। आज गांव में हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूँ। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालत सब तरफ से खराब है। बिजली खराब है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है। किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं। गांव के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई जोर से बढ़ेगी। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है, भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे। आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो आप मुसीबत में फंस गए हैं। आप मुसीबत में फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है। इसलिए आप गंभीरता से सोचें, कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो लें, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं लें। आप
जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे।